जंगल में आती है। मैंने भी रैरिटी की तरह अपने हॉर्स चमकाए हैं। तुम्हें ये पसंद आया? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अब तक यहाँ पहुँची क्यों नहीं? पर उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? और एप्पलजैक को फ्लटरशाय कहाँ है? फ्लटरशाय स्वीट एप्पल एकर्स में किसी काम में एप्पलजैक की मदद कर रही है। वो जल्द ही आ जाएंगी। पता नहीं प्रिंसेस को इतनी देर कहाँ हो रही है। वो अपने साथ किसी खास मेहमान को ला रही है, शायद इसीलिए देर हो गई हो। एक मेहमान जो खास तो है पर बहुत ही ढीला है। हो सकता है वो कोई इतनी खास पोनी हो कि शायद उसे अभी भी कई खास काम करने बाकी रह गए हों। शायद उस मेहमान के हिरन की सींग, बकरी की टांगे और सांप जैसी पूंछ है। हाँ सही कहा, उसका नाम है डिस्कॉर्ड। पर प्रिंसेस सेलेस्टिया किसी ऐसे को पोनीविल में आखिर क्यों लेकर आएंगी? तो तुम्हें उन्हीं से पूछ लेना चाहिए। My little pony. My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ये दोस्त? My little pony, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही. Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी. Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी. जिंदगी ये दोस्ती है पक्की. माफ कीजिएगा प्रिंसेस सेलेस्टिया, पर आप डिस्कॉर्ड को अपने साथ कैसे ला सकती हैं? योर मैजेस्टी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पिछली बार डिस्कॉर्ड ने यहाँ तबाही मचा दी थी। अगर तबाही से आपका मतलब है पोनीविल को दुनिया की सबसे बर्बाद जगह बना देना और चालबाजी करके हम सबके अंदर एक दूसरे के लिए नफरत भर देना और पूरे शहर में यमी स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क की बारिश करवाना, वो भी उसके साथ खाने के लिए व्हिप क्रीम की एक बूंद भी बरसाए बगैर, एक बूंद भी नहीं। हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर मैं डिस्कॉर्ड के जादू को इस्तेमाल कर सकती हूँ अगर उसे बुराई से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाया जा सके। इसलिए मैं डिस्कॉर्ड को यहाँ लाई हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है तुम ही वो पोनीज हो जो ऐसा करने में उसकी मदद कर सकती है। ये काम नहीं करेगा, बड़ी मुसीबत है। आखिर उसे काबू में कैसे लाए? क्या मुझे तुम सबको ये याद दिलाने की जरूरत है कि तुम ही वो पोनीज हो जिन्होंने उसे पत्थर में कैद किया था? हाँ, अगर चीजें काबू से बाहर हुई तो हम उसके खिलाफ एक बार फिर एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जो अभी इसी वक्त जाकर उन्हें ला सके। मैं बस अभी वो लेकर। कोई जरूरत नहीं है, मैं वो अपने साथ लाई हूँ और मैंने इनके ऊपर जादू भी किया है ताकि डिस्कॉर्ड इन्हें चुरा कर छिपा न सके। अब बताओ फ्लटरशाय कहाँ है? मेरे ख्याल से उसे ही डिस्कॉर्ड को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका पता होगा। फ्लटरशाय को? सच में? अब उसे भला क्या प्रॉब्लम है? गुड न्यूज, मिस्टर बीवटन डैम को यहाँ से हटाने के लिए राजी हो गए। वैसे ये अच्छा ही हुआ। मेरे एप्पल ट्रीज पानी में इतना डूब गए हैं कि मुझे गागलिंग की आवाज सुनाई दे रही है। पर उसका कहना है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, उसे मुसीबत बुलाने के लिए। क्या उसे माफ कर दूं? उसे जंगली जानवर नहीं कहा, यही बहुत है। मिस्टर बीवटन बीवटीत, ज़बान संभाल के। ठीक है ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। थैंक्स फ्लटरशाय, पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करती। मदद करके खुशी हुई। हे लेट लतीफो, तुम दोनों जल्दी से पोनीविल पहुँचोगी या नहीं? हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर अगर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये काम अच्छे से कर लोगी तो मैं ये काम तुम्हें करने के लिए कभी नहीं कहती। और आपको वाकई लगता है मैं ये काम कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मुझे इक्वेस्ट्रिया की रॉयल समिट में शामिल होने के लिए वापस कैंटलॉर जाना होगा। तुम जब भी तैयार हो डिस्कॉर्ड को आजाद कर देना। ओके पोनीस, मेरे ख्याल से अब हमें काम शुरू करना होगा। उम्मीद है ये आजाद करने वाला जादू काम करे, या शायद नहीं। जब तक मैं ना कहूँ सब अपने अपने एलिमेंट्स पहन कर रखना। चेक। आखिरकार किसी पोनी ने मुझे उस पत्थर से आजाद कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है। तुम ये कर क्या रहे हो? मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा। एक अशांति फैलाने वाले शख्स के लिए पत्थर के बने बॉडी सूट्स अच्छी फैशन चॉइस नहीं होते हैं। ये जैसा है मुझे वैसा ही प्यारा लग रहा है। पता है इससे प्यारी बात क्या है? तुम पूनीस को लगता है कि मैं बदल सकता हूँ और इस काम की जिम्मेदारी तुमने इसे दे रखी है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे नन्हे प्यारे गालों को ऐसे पकड़ के खींचूं। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? पत्थर में कैद होने का ये मतलब नहीं कि मैं सेलेस्टिया की हर बात नहीं सुन सकता। हालांकि इसकी वजह से अपनी आँखों को घुमा पाना बहुत ही मुश्किल था। वेल, अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हें वापस पत्थर का बना दे तो इसी वक्त जानवरों को वापस पहले जैसा बना दो, समझे? ओ, तुम मुझे वापस पत्थर बनाकर अपनी प्यारी प्रिंसेस को निराश करने की हिम्मत नहीं करोगी, है ना? आजमा कर देख लो डिस्कॉर्ड। तुम्हें लगता है कि तुम बेचारे जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव करके बच सकते हो? हाँ, शाबाश फ्लटरशाय। जरा अकल से काम लो मिस्टर, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझे? ओके, ओ नहीं, प्लीज वो नहीं। तुम्हारी तीखी नजर को छोड़कर कुछ भी करो। ओ नहीं, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, बस करो। मैं और नहीं झेल सकता। मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे करने के लिए कहोगी। कितनी मजेदार हो तुम। अगर हमें तुम्हारे खिलाफ अपने एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो मुझे यकीन है हम प्रिंसेस सेलेस्टिया को ये समझा देंगे कि हमारे पास ऐसा करने की वजह थी। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। उप्सी। Well, मुझे लगता है मैं जानता हूँ मुझे किसके यहाँ रहना होगा जब तक कि मैं बदल नहीं जाता। तुम्हारे साथ फ्लटरशाय। Oh dear. माना कि वो बुरा है, पर मतलब ये नहीं कि हम भी उसी तरह पेश आए। हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह छोड़ने पर कोई एतराज तो नहीं है ना? ओह, मैं एंजल के लिए माफी चाहती हूँ। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, शुक्रिया फ्लटरशाय। तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। काश कि तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारी ही तरह दयालु होती। उसकी बात पर ध्यान मत दो फ्लटरशाय। वो बस हमेशा की तरह हमारे बीच फूट डालना चाहता है, समझी? मुझे जरा बताओ कि भला मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगा? हाँ, ताकि हम साथ मिलकर एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल न कर पाए। और किस लिए? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तुम कितने बड़े झूठे हो। जरा अब बताओ कि झूठा कौन है? कोई भी देखकर बता सकता है कि मैं बड़ा नहीं हूँ। उप्स, ये लो, अब ठीक है। मैं ये नहीं देख सकती। हम बाहर ही हैं। तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर प्रिंसेस सेलेस्टिया ने मुझ पर भरोसा किया है और शायद मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम जानती हो? सबसे आसान उपाय है उससे दोस्ती करना, उसके साथ अच्छे से पेश आना और उसे मेरे घर में रहने देना। इससे काम बन जाएगा। और तुम्हें लगता है इससे काम हो जाएगा? हमें कोशिश तो करनी चाहिए। ओके, पर अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बस धीमे से हेल्प कहना और हम अपने एलिमेंट के साथ पहुंच जाएंगे। तुम अपने बकरी वाले कदम संभाल के रखना दोस्त। क्या? जरा देखो तो मुझे, मैं पहले ही कितना बदल गया हूँ। उसे वाकई उसके साथ रहने में कोई परेशानी नहीं। कहा तो उसने ऐसा ही है। मुझे लगता है हमें एक बैकअप प्लान सोच लेना चाहिए। अगर उससे दोस्ती करने वाला आइडिया काम नहीं आया तो रेनबो डैश सही कह रही है। हम यहाँ डिस्कॉर्ड की बात कर रहे हैं गर्ल्स। अपने आप को तैयार रखने का आइडिया बुरा नहीं है। और शायद मुझे वो ट्रिक पता है। डिस्कॉर्ड? ओह, तो तुम यहाँ हो। सुनो डिस्कॉर्ड, मैं बस पूछना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। क्या तुम एक कागज खा रहे हो? सच में? कितनी अजीब बात है। खैर, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तो जब तक मैं वापस नहीं आती इसे अपना घर समझना। बाय बाय, मजे करना, यहाँ सब कुछ ठीक है, बाय 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 बाय। क्या तुम्हें गाजर पसंद है एंजल? मैं तुम्हारी मालकिन को बेवकूफ बना रहा हूँ। तुम्हें ये गाजर कैसी लगी? हाँ, अजीब बात है, मैं जिस जादू के बारे में सोच रही थी वो यहाँ है ही नहीं। स्पाइक, वो किताबें कहाँ हैं जो तुम्हें लाने को कहा था? ये रही ट्वाइलाइट। मुझे सच में एक बदलने वाले जादू की जरूरत है इसी वक्त। अगर उसने पहले की तरह एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी को गायब कर दिया तो? प्रिंसेस सेलेस्टिया ने उनकी सुरक्षा के लिए जादू किया है, याद है ना? क्या हुआ? प्रिंसेस सेलेस्टिया ने हमारी किताबों को बचाने का कोई जादू नहीं किया। वो हर जगह जहाँ मुझे लगा बदलाव वाला जादू होगा। तुम्हें यकीन है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वैसे तुम ही ने कहा था कि मैं अपना ही घर समझूं इसे, पर मैं अपनी हद पार नहीं करना चाहता। मैंने ऐसा कहा था, इसलिए अगर तुम्हें ऐसा करके अच्छा लग रहा है तो प्लीज जैसे तुम्हारी मर्जी। ओह वेल, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तुम बहुत अच्छी हो प्यारी फ्लटरशाय। मैं जानता था कि तुम वो हो जो सब कुछ समझ सकती है। तुम्हारी उन बदतमीज दोस्तों की तरह तुम बिल्कुल नहीं हो। मेरी दोस्त बदतमीज नहीं है। वेल, बेशक तुम यही कहोगी, और इसी से तो पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। पता है, मुझे लगता है प्रिंसेस सेलेस्टिया, जब उन्होंने मुझे बदलने के लिए तुम्हें चुना, तुमने शुरुआत बहुत अच्छी की है। मुझे लगता है कि मैं वाकई में बदल रहा हूँ। देखो, मैं अच्छा हो रहा हूँ। फ्लटरशाय, फ्लटरशाय, मुझे सुन सकती हो? गुडनेस, ये तो ट्वाइलाइट की आवाज है। फ्लटरशाय, वहाँ क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों है ना एंजल? हम तुम्हें डिस्कॉर्ड से दूर ले जाने आए हैं। वो बहुत ही बुरा है, और देखने से लग रहा है कि वो काबू से बाहर हो गया है। ओह, पर तुम गलत हो, हम बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं उसके भरोसे को जीतने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक बात कहूँ, उसने हमारी आजादी का फायदा उठाया है और सारे जादू वाले पन्ने फाड़ दिए हैं। ओह, इसलिए वो कागज खा रहा था। वो उन्हें खा गया? और जादू की कोई जरूरत नहीं, उसे लग रहा है कि उसमें बदलाव आ रहे हैं। उसी ने मुझे बताया। और तुमने उस पर भरोसा कर लिया? अगर मुझे उसकी दोस्त बनना है तो मुझे उसकी बातों पर भरोसा करना होगा। एक काम करो, सारे पोनीज को आज शाम मेरे घर डिनर पार्टी के लिए बुलाओ, और मैं वादा करती हूँ कि वो बहुत अच्छे से पेश आएगा। मैं तब तक उसे घर भी नीचे उतरवा लूंगी। ठीक है, डिनर पर मिलते हैं। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा हम डिस्कॉर्ड के साथ डिनर पार्टी करने वाले हैं। आज की शाम पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। अच्छा हुआ जो मैंने अपना सबसे अच्छा आउटफिट नहीं पहना। फ्लटरशाय का कहना है कि डिस्कॉर्ड को सुधारने का यही तरीका है, और वो चाहती है उसे एक मौका दें। ओह, हमारी पोनी मेहमान, आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। प्लीज अंदर आ जाइए। देखा, उसने मेरी कितनी मदद की है। डिस्कॉर्ड ने पूरी टेबल खुद सजाई है, मुझे उस पर फख्र है। क्या मैं आप लोगों की हैट्स ले सकता हूँ लेडीज? अपने एलिमेंट संभाल के गर्ल्स, आज की रात अजीब होने वाली है। जैसा कि तुम सब जानती हो, प्रिंसेस सेलेस्टिया चाहती है कि हम डिस्कॉर्ड को जादू का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। पिंकी पाई, क्या तुम कुछ ग्रेवी लेना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। तो मैं करता हूँ। ओह, कितनी प्यारी ग्रेवी बोट है। हाँ सच में हो तुम। अगर मुझसे पूछो तो ये ग्रेवी बोट बहुत ही अजीब है। ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें उसे एक मौका तो देना चाहिए। ए, ये बहुत गर्म है। ओप्स, वेल, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जानबूझकर किया। ओह वेल, मैं ऐसा नहीं मानता, गलतियाँ होती रहती हैं। ओह, जरा देखो सब लोग, डांसिंग कैंडल्स। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली। डिस्कॉर्ड बस हमारा ध्यान बटाने की कोशिश कर। हे, बंद करो ये सब। ये सब भी गलती से हो रहा है ना? नहीं, मेरे ख्याल से तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था। दाल में कुछ तो काला जरूर है। डिस्कॉर्ड, अगर सूप बॉल को दाल में काला सुनकर अच्छा नहीं लगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं सही कह रहा हूँ ना? ड्रेस पर नहीं, ड्रेस पर नहीं। ये वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा तुम उनसे करवा रहे हो। इतनी जल्दी हम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। फ्लटरशाय, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो क्या कर रहा है? वो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ताकि तुम उसके खिलाफ एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी का इस्तेमाल न करो। ओह वेल, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, क्यों है ना? अब तो समझ आ रहा है ना ये क्या कर रहा है। फ्लटरशाय, पता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मैं देख रही हूँ कि डिस्कॉर्ड परफेक्ट नहीं है, पर तुम उसे अच्छा बनने का मौका भी नहीं दे रहे। अरे बार बार उसकी गलतियों को माफ क्यों कर रही हो? क्योंकि दोस्त ऐसा ही करते हैं। क्या हम दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे याद नहीं तुम्हारे आने से पहले मेरा घर इतना अच्छा कब लगा था। ओह वेल, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं रहा फ्लटरशाय, लेकिन अब है। ये सही वक्त नहीं है एंजल, हम डिनर पार्टी कर रहे हैं। रुको, मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है। ओह, स्वीट एप्पल एकर्स। स्वीट एप्पल एकर्स में बाढ़ आ गई है और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है या नहीं? कौन? मैं। वो अब बस भी करो। अब तुम्हारा अपने दोस्त के बारे में क्या ख्याल है फ्लटरशाय? मैंने पहले कभी इतना बुरा बांध नहीं देखा। उन्होंने यहाँ पहले भी बांध बनाया था, लेकिन इस तरह से नहीं। यह चल क्या रहा है? ज़बान संभाल के। इसका कोई फायदा नहीं, वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें पता है ना इसके पीछे डिस्कॉर्ड का ही हाथ है। बेशक मैं जानती हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो किसी के बातों में आ जाऊँ। ओह नहीं तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। मैं बस किसी तरह उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी ताकि वो मुझ पर भरोसा करे और मेरी बात माने। जरा देखो फ्लटरशाय, क्या तुम भी आना चाहोगी पानी में? ये बहुत अच्छा है। देखते हैं काम बनता है या नहीं। फ्लटरशाय तुम आ गई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि तुम देख सकते हो स्वीट एप्पल एकर्स में पानी भर गया है। ओह हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ बहुत बुरा हुआ। वो एप्पलजैक का घर है और उसे बर्बाद किया है नन्हे जानवरों ने जो कभी ऐसा नहीं करते। अगर तुमने उन पर जादू नहीं किया होता, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। वेल हाँ ठीक है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, पर मुझे बदले में एक चीज चाहिए। क्या? तुम अपने एलिमेंट ऑफ हार्मनी का इस्तेमाल कभी मेरे खिलाफ नहीं करोगी। हमारी इस दोस्ती के नाते मैं अपने एलिमेंट ऑफ हार्मनी का इस्तेमाल कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं करूंगी। बहुत अच्छे, हो गया। अच्छा है ना? मुझे वाटर स्कीइंग से ज्यादा आइस स्केटिंग पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? ला रा 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 रा। डिस्कॉर्ड, इसे ठीक करना नहीं कहते। मैं तुम पर। तुम कहाँ जा रही हो? क्या बात है दोस्त? मुझे दोस्त मत कहो। ओफ, बीती बातों को भूल जाओ, आओ मेरे साथ स्केटिंग के मजे लो। ये लो फ्लटरशाय, गेम ऑन। या तो वो इसे ठीक करेगा या उसे वापस पत्थर बनना होगा। प्रिंसेस सेलेस्टिया समझ जाएंगी। मैं इसे नहीं पहनूंगी क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। देखा, वो मेरे साथ मजे करना चाहती है क्योंकि हम दोस्त हैं। वो अपना एलिमेंट मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि हम दोस्त हैं। मैं आजाद हो गया हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। किसे फर्क पड़ता है? मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं डिस्कॉर्ड हूँ, अशांति का बादशाह। तुम्हें लगता है कि तुम डिस्कॉर्ड को फटकार सकती हो? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बदल दूंगा क्योंकि तुमने ऐसा कहा है? क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी इकलौती दोस्त को खो दूंगा। हाँ। हाँ। बहुत अच्छे फ्लटरशाय, बहुत अच्छे। मुझे अपना तरीका ज्यादा पसंद आया, पर मेरे ख्याल से जब आप दोस्त बन जाते हैं तो आप हमेशा वो नहीं कर सकते जो आपके मन में है ना? हाँ प्रिंसेस, मैं अपने जादू का इस्तेमाल बुराई की बजाय अच्छाई के लिए करने को तैयार हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा। तुम्हारी कामयाबी पर मैं तुम्हें बधाई देती हूँ पोनीज। मैं खुश हूँ कि डिस्कॉर्ड में मुझे एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। मैं एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी को तुम्हारे हवाले करती हूँ ट्वाइलाइट, अगर जरूरत पड़े तो। आप सही थी जब आपने कहा था कि फ्लटरशाय डिस्कॉर्ड को बदलने का तरीका ढूंढ सकती है। डिस्कॉर्ड के साथ दोस्त की तरह बर्ताव करके उसने उसे एहसास दिला दिया कि दोस्ती वाकई उसके लिए मायने रखती है, और वो एक ऐसी चीज है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहेगा। चलो आप कह भी दो। ठीक है, दोस्ती में जादू है। देखा, अगर उसके साथ वक्त बिताओगे तो वो सबको प्यारा लगने लगता है।